नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज को दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जम्मू संभाग में लिए चलेंगे, क्या कुछ कहना है, अलग अलग जगहों पर भी क्या कुछ है सूरत हाल देखिए। मेरे साथ इस समय सांसद मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जम्मू दौरे पर हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं कि नुपुर शर्मा की एक हेट स्पीच से लगातार भद्रवाह के अंदर जो है वो टेंस का माहौल बना हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक नफरती माहौल पैदा करना अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए। अभी कोई प्रवक्ता कुछ भी बोल दे और उसको, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ता है, हर जगह उस फैलता है और पूरी दुनिया इसका नोटिस लेती है, तो इंडिया के लिए तो ये ठीक बात नहीं है। हम एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते, पर कई प्रवक्ताओं ने ऐसे स्टेटमेंट किए हैं और कई चैनल्स वो स्टेटमेंट में रोक भी नहीं लगाते हैं, तो ये माहौल से क्या होता है? लोग डर जाते हैं कि नफरत क्यों फैलाना है, क्या जरूरत है नफरत फैलाने की। तो ये सियासत जो हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के लिए ठीक है। इंडिया में कैसे कभी भी ऐसी नफरती माहौल नहीं थी, और जब दुनिया देखती और दुनिया इसका ऑब्जर्वेशन करती है, तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आप जम्मू दौरे पर हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल भद्रवाह में क्या कुछ घटा है, और उसके बाद अब जम्मू में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, और आज जम्मू में भी प्रदर्शन किए गए हैं कई संगठनों द्वारा, तो एक भाईचारा जो कायम रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं अब खराब होता हुआ। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को ऐसे एक यूटी में भी बना दिया है, और एक भी स्टेटमेंट आता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना तो प्राइम मिनिस्टर से। सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है तो लोग तो अपने हैं, ये अपनी प्रजा है, अपने लोग हैं, उनमें नफरत फैलाना, उनमें कर्फ्यू डाल देना, इंटरनेट बंद कर देना, ये क्या डिजिटल इंडिया का निशानी है? अगर आप डिजिटल इंडिया करना चाहते हो तो पहला काम आप तो इंटरनेट बंद कर देते हो, तो नौजवान बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ते हैं वो क्या करेंगे बिना इंटरनेट? आप पीछे ले जा रहे हो, नफरती माहौल क्रिएट कर रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप हाथ में नहीं ले रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे हो आप अपनी प्रजा को, अपने लोगों को आप समझ नहीं पा रहे हो, और अपनी सियासत के लिए आप नफरत फैला रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको बंद करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या आपको लगता है कि ध्रुवीकरण की ये राजनीति हो रही है? नहीं, ऐसा है कि गवर्नेंस मॉडल क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुवीकरण शब्द बोलना ठीक रहता है, यूनिटी नहीं है, पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हमारा देश पूरा ऊपर से नीचे आप लेके जाओ, सब कुछ बदलता है, अटायर, खाना, कल्चर, एवरीथिंग, और आप फिर अंदर अंदर लड़ा रहे हो, आप सबको इकट्ठा तो कर नहीं पा रहे हो, सबकी सुखाकारी की तो बात नहीं कर रहे हो, इतने प्रॉब्लम्स है, रोजगारी के प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी लाइन, एनवायरमेंट, माइंडलेस डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप इस सब पे ध्यान नहीं दे रहे हो और एक ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हो कि बस सब उसी में उलझे रहे, खुशी ना रहे कहीं भी, तो स्टेटमेंट तो आना चाहिए ना गवर्नमेंट से। केंद्रीय मंत्री का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि माहौल को जो है वो शांत किया जाए, आप किस तरह से देखते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जिक्र? वो मैंने पढ़ा नहीं है, पर मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री नहीं, सारे मंत्रियों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर को इस पर अभी समय आ गया है ध्यान देने का, कि भाई हमारा देश एक प्यार वाला देश है, ये तोड़ने की बात अच्छी नहीं है, नफरत की बात कंट्रोल करनी चाहिए। मुझे लगता है एक दिन जुडिशरी विल हैव टू स्टेप इन, कि ये नहीं चलता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आराम से जियो, सब राइट्स दिया हुआ है, एक अच्छा खासा सब मिलजुल के रहने वाला देश है, अचानक कैसे नफरत ही स्टेटमेंट को एनकरेज करने लगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो खास बातचीत के लिए एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद थे सांसद, और आपने देखा कि इनका क्या कुछ कहना था, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है, आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहें जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से एक मिनी एक्वेरियम का यहाँ पर जो है इनाग्रेशन की गई, जिसे बाजाबे तौर यहाँ पर यूनियन सेक्रेटरी ने बाजाबे तौर इसकी इनाग्रेशन की, और यहाँ पर एक और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ये मानी जा रही है। अगर इस एक्वेरियम के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो मछली की अलग अलग किस्में हैं वो यहाँ पर रखी गई है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सयाहत को भी फ़र्ग मिले, और फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार यही कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं यहाँ सयाहत के साथ साथ आम लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार के वसायल जो है वो फराम हो सके। तो आज बाजाबे तौर जो है इसकी इनाग्रेशन की गई, और यहाँ पर जो है यूनियन सेक्रेटरी की तरफ से इस पूरे फिशरीज डिपार्टमेंट का उन्होंने यहाँ पर जायजा भी लिया, और काम काज के साथ साथ यहाँ पर
जो यहाँ की आम पब्लिक है उनके साथ भी यहाँ पर इंटरेक्शन की गई, तो आपको सीधे टंगमर ले चलते और दिखाते हैं क्या कह रहे हैं इस हवाले से यूनियन सेक्रेटरी को जागरूक कराने के लिए और लोगों के फीस जो है कैसे बढ़ाया जाता है और फीस होता क्या है, तो इसके लिए एक्वेरियम मेरे को लगता है टूरिस्ट जगह में काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं नॉर्थ इंडिया से आते हैं जो कभी भी हो सकते हैं फीस देखे भी नहीं हो, पिक्चर में देखे हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग भी मत्स्य पालन विभाग जो है भारत सरकार का, हम लोग फिश सिकिंग को प्रमोट कराने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारा इंडिया में एवरेज पर कैपिटा है 6 किलो है पर एनम, बट ये जो जापान जैसे देश में ये 25 किलो है, तो एटलीस्ट हमको हमारा स्कीम का अंदर इसको डबल करने का कोशिश करें। इसमें ये एक्वेरियम करीब करीब 600-700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रावधान करा रहे हैं। एक तो हैचरी बनेगा, प्राइवेट में बनेगा तो अच्छा बनेगा और ज़्यादा बनेगा, और दूसरा है फार्मर को ट्रेनिंग देके उसको इस टाइप का ट्राउट का जो रेशियोज बना के कराने का, तीसरा जो है हमको ये बताया जा रहा है कि एक लेवल का ऊपर ट्राउट यहाँ प्रोडक्शन करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट में उतना ही डिमांड है, तो ये बाहर जाने के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसको कैसे फ्रोजन ले जाए। सरकार का जो मत्स्य पालन प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना है उसमें 3-4 चीज में ध्यान दे रहे हैं। हम तो एक हैचरी का ये बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि फीड होगा तो लोग अपने आप करेंगे, अगर अब किसी को मत्स्य पालन करना है कहाँ मिल रहा है वो पता रहना चाहिए। दूसरा है कि मार्केटिंग का प्रावधान करना है, और तीसरा है जो सब्सिडी बेस्ड कर रहे हैं, सब्सिडी तो इसलिए कि डिस्काउंट पहले लोग को बताने के लिए आप करो, आपका एक इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो लोग अपने आप होना चाहिए, इसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए। टोटल हम लोग थोड़ा फीड में भी काम कर रहे हैं कि फीड कैसे। ये है यहाँ पे हम शोपेन ब्लॉक में है इस टाइम, जो हमारा वीडियो साहब है वो बहुत अच्छा है, 10 दिन उसको हो गए यहाँ पे, उसने ज्वाइनिंग की है। तो एक बात है, हम दूर पंचायतों से यहाँ पे आते हैं, तो ये मेन डिस्ट्रिक्ट का एक मेन ब्लॉक है जो टाउन में ही है, तो जो बीडीओ साहब है यहाँ का उसको 3 ब्लॉक दिए गए हैं, इमाम साहब, कैलर और शोपियन। तो हमारी ये मांग एडमिनिस्ट्रेशन से मेहरबानी और मेहरबानी करके, अगर पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया है 2 महीने के अंदर अंदर PRI DDC BDC नरेंगा काम क्लियर होना चाहिए, तो ऐसे काम क्लियर नहीं होगा। 2 या 2.5 महीने के बाद विंटर स्टार्ट होने वाला है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट होगा, तो लोगों को ऐसे नहीं लग रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, बाद में उस काम पे फिर बर्फ़ पड़ता है तो लोग कहते हैं यहाँ पे फिर काम नहीं होता है। इसलिए हमारी ये मांग है, हमें काम होना चाहिए। अगर पीछे गवर्नमेंट कहती है डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होता है बेशक, लेकिन प्रॉब्लम होती है सर्दियों के मौसम में जो काम स्टार्ट होता है। हम ये चाहते हैं जो BDO साहब है उसको परमानेंटली के लिए यहीं पे रखे, तो जो 2 ब्लॉक है उन 2 ब्लॉकों में और किसी BDO साहब को वहाँ पे भेजा जाए। मेहरबानी और मेहरबानी। आप देख रहे हैं JK 24/7 और मैं मोहम्मद आसिफ नाजी, मैं आपको बता दूँ इस वक्त हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के शोपियर में है, और यहाँ के मुकामी लोगों ने और सरपंच ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इन लोगों की मांग है कि जो BDO शोपियर हैं उनको और भी 2 ब्लॉक दिए गए हैं, ब्लॉक इमाम साहब और कैलर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही हम हिस्से में आते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सफ़र करते हैं, हमें हफ्ते में 5 दिन BDO साहब का फिर अगर सिग्नेचर करना हो या कोई डॉक्यूमेंट हमें मुकम्मल करना हो उसके लिए वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। इन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से और RDD डिपार्टमेंट के अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं कि BDO शोपियान को या तो एक ब्लॉक कम किया जाए ताकि हमें ज़्यादा टाइम मिले, या परमानेंटली यहीं रखा जाए और बाकी ब्लॉक जो है उनसे वापस लिए जाए ताकि वो यहाँ पर रहे, ताकि हमारे जो मसाइल हैं, और यहाँ के सरपंच ने भी कहा जो मसले हैं लोगों के, बहुत से लोग सुबह से यहाँ पर आते हैं, 10 बजे आते हैं और 4 बजे बिना कोई काम करे ही वापस जाते हैं क्योंकि BDO साहब यहाँ पर नहीं रहते हैं। इन लोगों की डिमांड यही है कि BDO साहब को या तो ब्लॉक काम किया जाए या यहाँ पे रखा जाए ताकि हम लोग ज्यादा सफर ना करें। JK 24/7 के लिए शोपियां से मोहम्मद आसिफ। इलाके में खान साहब के जहाँ डिबीपुरा उसको बोल खारपुरा बोलते हैं, डिबीपुरा यारिखा के साथ है, कल ये इंसिडेंट कम से कम 5 बजे अभी तक टीम नहीं आया। ये है हमारे बड़गाम और बेमू खान साहब की कारिस्तानी है, रोज करते हैं किसी भी मामले में। ये तो अभी देखो कल से यहाँ कोई अभी तक डॉक्टर नहीं आया, बहुत दुख की बात है ये। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त यहाँ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में गया, फिर हमारा इलाका है फार फ्लंग एरिया,
उधर क्या होता है उससे ज़्यादा। हम तो गवर्नमेंट से डिविजनल कमिश्नर साहब से हम करते हैं कि खास कर ये जो ये हेल्थ का डिपार्टमेंट है ये उसी देवीपुरा का है, ये भी अपने हिसाब से बोले कि क्या हमने किया। जिला बड़गाम के खान साहब खारपुरा इलाके में कल एक वाका हुआ जो कि 5 बजे जो दिन में एक 14-15 साल लड़का जो है वहाँ पर एक गाय चरा रहा था और उसको एक एक्सीडेंटली जो एक मौत वाका हुई। लेकिन अगर हम देखें तो पहले एक अफवाह उड़ी थी कि उसको सुसाइड किया है, लेकिन बाद में पता चला और तब से लेकर अब तक जो है इन्होंने खान साहब हॉस्पिटल और अगर हम देखें बड़गाम उनको मुंतकिल किया गया पोस्टमार्टम के लिए और यहाँ पर जो है बिल्कुल हम पोस्टमार्टम के बाहर बैठे हैं और अभी तक जो है 12:45 तक भी इनको जो है अभी तक कोई डॉक्टर्स यहाँ पर टीम नहीं आई और लव हैकिंग का यही कहना है कि कल 6 बजे से हम बिल्कुल यहाँ पर वेट कर रहे हैं और बिल्कुल मुतवातिर हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन इंतज़ामिया और जो यहाँ पर मेडिकल हुकाम है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हुसैन। COLBDDA और उनकी टीम ने पहलगाम से यहाँ पे जो है वो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को बुलाया था, वहाँ से पुराने जो काफ़ी इस ट्रेड के जो माने हुए ऑपरेटर्स हैं इब्राहिम रैना साहब, रिपिन पंडता साहब, मुश्ताक पहलगामी साहब, ये सारे लोग जो है वो एडवेंचर एक्टिविटी बहुत कराते हैं अपने वहाँ पे। तो इस आज यहाँ पे इन्होंने इनके ज़रिए से एक बहुत ही अच्छा नौजवानों के लिए एक वर्कशॉप रखा था जिसमें लाइव डेमो दिया गया कि आपको अगर ट्रैकिंग पे जाना है तो क्या क्या चीज़ें, किस तरह की तैयारी, क्या सामान, किस तरह का साजो सामान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और फिर वहाँ पे जाने के लिए आपको किन किन प्रिकॉशंस का लेना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें इनको सिखाई गई। और कल भी यहाँ पे जो है वो इसी बारे में रजिस्ट्रेशन हुआ पहले दिन, तो ये 2 दिन की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी रही। मैं LBDDA को और इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और मुझे यकीन है कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के जो भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सभी जो है वो इस का अच्छा फ़ायदा उठाएंगे और उनको अच्छा यहाँ से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी, ये एक शुरुआत है, इस शुरुआत को वो अपने मंतकी अंजाम तक लेंगे और यहाँ टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म एक्टिविटी और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे कैंपिंग है, चाहे होम स्टेज हैं, उस सब को प्रमोट करेंगे ताकि कुपवारा ज़िले में जो नौजवान है या बाकी बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए रोज़गार के। देखिए, ये मैंने कहा ना कि हम पूरी तरह से ज़िला इंतज़ामिया इसमें पूरी तरह से क्लियर है कि हमको प्रमोट करना है टूरिज़्म को और आज जो है उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। बाकी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, LBDDA ने बंगस में पहले ही जो है अपने टेंट्स पिच कर दिए हैं, अब ये फॉर्मली जाके उसको शुरू करेंगे और भी लोगों को जो है वो कैंपिंग के लिए एनकरेज करेंगे जो लोकल यहाँ का नौजवान है, लोकल यहाँ के एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं। तो ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो आवाम का रहता है क्योंकि उनको स्टेक होल्डर बनना है, तभी उनको जो है रोज़गार भी मिलेगा या तभी उनकी ज़िंदगी में बेहतरी। ज़िले कुपवारा में आज एडवेंचर टूरिज़्म के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें ट्रेनिंग करने वालों के लिए तरबेती कैंप भी किया गया। इस कैंप में वादी के दीगर अज़ला से ट्रेनीज को लाया गया था जिन्होंने मुकामी नौजवानों को ट्रेनिंग के तौर तरीकों से वाकिफ़ करवाया। नौजवानों को तलकीन की गई आइंदा ज़िले को सियाहती मकाम पर सियाहत के लिए आने वाले अफराद को गाइड करने के लिए तरबियत का होना लाजमी है जिससे ज़िले में टूरिज़्म को फ़रोग मिलेगा। प्रोग्राम में लोला बंगस डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO व DC कुपवारा और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। लेकिन 24/7 के लिए रियाज भट्ट। तो फिलहाल आपने देखा कि इस तरह से आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया गया है लेकिन गौर करना बहुत ज़रूरी है। समस्याओं को सरकार के सामने तो रखा जाता है लेकिन ज़मीनी सतह पर उस पर काम कितना होता है ये बड़ा सवाल है।